आज माधवपुर जिले के गंगापुर सिटी में राजस्थान प्रदेश माली महासभा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पद पर सैनी समाज समाज माधवपुर के जिला अध्यक्ष सीएल सैनी को नियुक्त करने पर कुशालगढ़ ग्रुप सदस्यों व सर्व समाज के लोगों ने उनके कार्यालय पर माला व साफा पहनाकर अभिनंदन किया व बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सीएल सैनी ने कहा कि समाज ने उन्हें जो जिम्मेदारी और दायित्व दिया है उसे वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। हम आपको बता दें कि सीएल सैनी समाज की ही नहीं अपितु सर्व समाज को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। इन्होंने सर्व समाज की बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए गांव-गांव में शिक्षा रथ चलाए रखा है, जो कि एक सार्थक प्रयास है। आइए देखते हैं स्वागत की कुछ झलकियां। जानते हैं शिक्षा रथ के बारे में, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सीएल सैनी जी का क्या कहना है? करीब 40 साल हो गए मेरे ऑफिस में, जितना भी स्टाफ है सर्व समाज का है, हर समाज के लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैंने हर समाज के सेवा करने का बीड़ा उठा रखा है। अभी हमने पिछले 2-3 महीने से शिक्षा रथ चला रखा है। अभी कलेक्टर साहब से उसका हरी झंडी दिखाया, कलेक्टर साहब ने शिक्षा रथ को रवाना किया। पूरे ज़िले के अंदर सैनी समाज का शिक्षा रथ घूम रहा है। हमारे समाज की 30 लड़कियाँ हैं, उनको हमने वैन ट्रेंड कर रखा है। वो घर 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 जाके शिक्षा की अलग जगा रही है। जो भी बच्चियाँ ड्रॉप आउट हो गई उनको वापस शिक्षा से जोड़ने का कार्यक्रम हम कर रहे हैं और बहुत सी लड़कियों को वापस शिक्षा के साथ जोड़ा है। छोटे छोटे गाँव में जाके हमारी बेटियाँ, जो छोटी छोटी बेटियाँ वो स्कूल जाने से बच्चे थे, उनको प्रेरित कर रही है। उनको स्कूल की बुक, स्कूल बैग, मिठाई, टॉफ़ी ये सब वितरित करिए, जिससे उनको स्कूल में आने की प्रेरणा मिल रही है। और मैं चाहता हूँ कि हमारा ये जो मिशन है आगे भी चलता रहे। इस साल हमने 141 बेटियों को गोद लिया, अगली बार हम 151 बेटियों को गोद लेने की स्कीम हम चला रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो शिक्षा का जो ये अभियान है वो एक सफल अभियान रहेगा